प्रदेश के कानपुर में दो बड़े व्यापारियों के ठिकानों पर जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम ने इनकम टैक्स विभाग के साथ मिलकर कई घंटों तक छापेमारी की। दावा है कि कानपुर के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर से 165 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया, जिसे देखकर जांच टीम के भी होश उड़ गए। बरामद रकम इतनी ज्यादा थी कि उसे गिनने के लिए एक नहीं बल्कि कई मशीनों की मदद ली गई। छापेमारी के दौरान इत्र व्यापारी पीयूष जैन के पूरे घर को सील कर दिया गया। बाहर से भी पुलिस का पहरा बैठा दिया गया ताकि कोई भी इस कार्रवाई में दखल ना दे सके। वहीं जिस कमरे में कई घंटों तक नोटों की गिनती चलती रही, वो पूरा कमरा नोटों की गड्डियों से भरा दिखाई दिया। फर्श पर हर तरफ नोट ही नोट दिखाई दे रहे थे। इन नोटों की गड्डियों को रखने के लिए कई बड़े संदूकों को लाया गया, जिसके बाद उन संदूकों को जांच टीम ने अपने साथ ले जाने का भी इंतजाम किया। 150 करोड़ से ज्यादा जो मिला है उसको जहां एक और इनकम टैक्स और जीएसटी के अधिकारी इसको ट्रंक्स में रख रहे हैं, तो वहीं उसके लेके व्हीकल आ चुकी है। इस छापेमारी के बाद जांच टीम कारोबारी पीयूष जैन के बेटे को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। अब इत व्यापारी के अलावा जीएसटी और इनकम टैक्स विभाग की टीम ने शहर के एक और व्यापारी पर शिकंजा कसा। जांच टीम के पान मसाला कारोबारी के अग्रवाल के घर पर भी छापेमारी होने की जानकारी है। खबर है कि उन्हें पान मसाला बनाने में इस्तेमाल होने वाले खुशबूदार केमिकल की सप्लाई इत्र व्यापारी पीयूष जैन ही करता था, जिनके घर हुई छापेमारी में 165 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद करने का दावा किया गया। वहीं जांच टीम अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी रकम उनके पास आई तो आई कहां से। और इस बीच कानपुर में व्यापारियों के ठिकानों पर हुई छापेमारी से राज्य का सियासी पारा गर्मा गया। बीजेपी ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और इन व्यापारियों को समाजवादी पार्टी के नेताओं का करीबी बताते हुए उस पर हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी के तमाम करीबियों के यहाँ लगातार इनकम टैक्स और ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जिसमें सैकड़ों करोड़ के कैश का खुलासा हो रहा है। बीजेपी के इस हमले का जवाब देने में समाजवादी पार्टी ने भी देर नहीं की। कहीं कोई इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है उसको समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जनता में समाजवादी पार्टी को बदनाम करना चाहती है। इस मामले में जांच टीम ने कानपुर के अलावा उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में भी छापेमारी की। बिहार के जहानाबाद के एक अस्पताल में लाखों रुपए की एक्सरे मशीन को चींटियां खा गई। असल में इलाके के विधायक सतीश कुमार ने जब अस्पताल का दौरा किया तो उन्होंने वहां एक्सरे की नई मशीन उन्हें नजर आई, जिसे इस्तेमाल में नहीं लाया गया था। बताया गया कि विधायक ने 22 लाख रुपए की उस मशीन को अपना सामने चालू करवाया लेकिन उससे एक भी एक्सरे नहीं निकला। जब विधायक ने डॉक्टरों से मशीन की खराबी के बारे में पूछा तो जवाब मिला कि लंबे वक्त से मशीन रखी है और चींटियां खा गई है इसे। इसके बाद मशीन की सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर से भी बात की गई तो उसने भी यही जवाब दिया कि मशीन तो बिल्कुल सही दी गई थी लेकिन अभी उसे चींटियां खा गई हैं। खबर है कि इस घटना के बाद वहां हैदराबाद के दूसरी मशीन मंगवाई जा रही है और इससे पहले बिहार में चूहों के शराब पीने की खबर भी काफी सुर्खियों में रही थी। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि शोपिया जिले में सुरक्षा बल के जवानों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। मुठभेड़ की घटना तब हुई जब सुरक्षा बल को इलाके में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली। इसके बाद पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन जैसे ही सुरक्षा बल के जवान आतंकवादियों के नजदीक पहुंचे, दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। खबर है कि इलाके में दो आतंकी छिपे हैं जिन्हें सुरक्षा बल के जवानों ने घेर लिया है। म्यांमार की सेना ने अपने यहां करेन विद्रोहियों के कब्जे वाले एक छोटे से शहर पर ऐसी एयर स्ट्राइक की कि वहां रहने वाले सैकड़ों लोग पैदल ही बॉर्डर पार कर थाईलैंड भाग गए। ज्यादा अधिकारों की मांग कर रहे करेन समुदाय के लोग वैसे तो दशकों से म्यांमार की सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन फरवरी में वहां तख्ता पलट के बाद उनकी जंग तेज हो गई, जिसके जवाब में म्यांमार की सेना ने विद्रोहियों पर हमला कर दिया। और फिर जो तस्वीरें सामने आई उनमें मीलों दूर से धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। म्यांमार की सेना के धुआंधार हवाई हमलों ने इलाके में ऐसी दहशत फैला दी कि सैकड़ों लोग अपने घर छोड़कर भाग खड़े हुए। वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर थाईलैंड की तरफ जाते दिखे। महिलाओं के साथ छोटे बच्चे भी पनाह की आस में भटकते नजर आए। लेकिन इसके बाद तो म्यांमार के लोगों का जत्था थाईलैंड में घुसने के लिए नदी को पार करने लगा। एक तस्वीर तो ऐसी देखने को मिली जिसमें एक शख्स अपने बच्चे को पीठ पर लेकर पानी के बीच चलता नजर आया। हालांकि थाईलैंड की सेना के जवानों ने म्यांमार के लोगों को धुतकारा नहीं और उनकी मदद के लिए तैयार दिखे। वो उन्हें अपने ट्रकों में लेकर कैंपों तक ले गए। पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टीम इंडिया के स्पिनर रहे हरभजन सिंह ने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने ये तो नहीं बताया
कि दूसरी पारी में वो क्या करने वाले हैं, लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि वो राजनीति में एंट्री मार सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और तभी से ये चर्चा तेज हो गई है कि वो कांग्रेस का हाथ थाम कर चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। जलंधर के हीरो हरभजन सिंह ने संन्यास का ऐलान करते हुए मैदान पर अपने यादगार पलों का जिक्र किया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि वो नई पारी के लिए तैयार हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि वो सियासत की पिच पर उतर सकते हैं। अब नई चुनौतियों के साथ एक दूसरा चैप्टर मेरी जिंदगी में शुरू हो रहा है। यकीन मानिए, आपका टर्मिनेटर इम्तिहान के लिए तैयार है, बस प्यार बनाए रखना। इस वक्त की बड़ी खबर